जैसा कि आचार्य शंकरचरण दादा जी ने कहा कि नैतिकता राजनीति में नहीं है, इसके कारण से वो विदर्भ राज की मांग करते थे पहले बीजेपी के लोग, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंचते हैं तो उस बात को भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा संगठन गांव में, किसान में, मजदूरों में और जमीनी स्तर पर काम करता है, इसलिए हम अब राजनीति में ऐसी धारा लाना चाहते हैं जो कि इस बात को मजबूती के साथ रख सके कि जो कथनी और करनी में एक होगा। हम विदर्भ राज मांग करते हैं और विदर्भ राज हम लेके रहेंगे। हमारी दृढ़ इच्छा है कि हम आने वाली पीढ़ी को विदर्भ राज सौंप के जाए। भाजपा सरकार ने मॉडल लागू किया है, परेशानी ये है कि जो छोटे राज्य हैं, भाजपा का पूरा आंदोलन इस बात पे होता है कि छोटे राज्य को हम ज्यादा विकसित कर सकते हैं। तो विदर्भ राज की भी बात यही थी, आए दिन सूखा पड़ता है, काल पड़ता है, अरे ठीक, गाड़ियों पे जो लागू हुआ है ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन और भी चीजें हैं तो उसको भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून बना देने से वो चीजें समाप्त नहीं हो जाएंगी। कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार को करना है, तो वो अगर इम्प्लीमेंट करती है तो वो काम जरूर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जनता उसका सहयोग देगी। दो बच्चों की मौत का जो है ये चल रहा था, जिसमें जो है आरोप सरकार पर लगाई जा रही है कि शौचालय मुक्ति का जो दावा करते हो वो हुआ है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ये सब प्रशासन का काम है, प्रशासन अक्षमता है जिसके कारण से सीवर में हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई, दलित भाई, वो लोग ज्यादा इसमें काम करते हैं और उनको बिना सुविधा उपकरण के, बिना सुरक्षा उपकरण के उतारा जाता है, तो ऐसी मौतें होती है जिसके लिए सरकार जो भी हो वो जिम्मेदार है सीधे सीधे तौर, क्योंकि वो सरकार के अंतर्गत चाहे ठेके पे काम करती है और चाहे वो उनके नौकरी पे काम करते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी उनकी मुकम्मल है। क्या नाम है? महंत नई तिवारी। विदर्भ राज्य बीजेपी उठाती थी, लेकिन अब जब से वो सत्ता में आई है उसने वो मुद्दा उठाना बंद कर दिया है, तो क्या आप इलेक्शन में, जो अभी 2020 में इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें बीजेपी का सहयोग करेंगे या उसका बहिष्कार करेंगे? क्या पीबीआई एक स्वतंत्र पार्टी है और पीबीआई नैतिक वालों लोगों की पार्टी है, हम वही काम करते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हम ऐसे वादा खिलाफी का न समर्थन करते हैं, ना वादा खिलाफी की राजनीति को आगे प्रमोट करते हैं। हम सब समाज के लिए और ईमानदारी और नैतिकता से आचरण करने वाले लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं, ताकि जो हम कहें उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा रहती है। स्वतंत्र विदर्भ राज्य।